प्रो कबड्डी सीजन 9 में कुल यहाँ पे 83 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड पॉइंट्स टेबल का समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे मैं आपको सभी 12 टीमों के सिनेरियोस के बारे में बताने वाला हूँ, कैसी आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। डिटेल में पॉइंट्स टेबल को एनालाइज करेंगे तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड इससे पहले आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको प्रो कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको प्रो कबड्डी के मैचेस फ्री में लाइव देखने हैं तो आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे सबसे टॉप वाली टीम से, नंबर एक पे बेंगलुरु बुल्स की टीम है। बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 14 मैचेस खेले जिसमें से 9 मैच जीती है 51 पॉइंट्स के साथ, स्कोर डिफरेंस इनका +44 का चल रहा है। बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बेंगलुरु बुल्स की टीम है एंड इनको क्वालिफाई करने के लिए अपने बचे हुए 8 मैचेस में से सिर्फ 3 जीत की जरूरत है। 3 मैचेस जीतते ही बेंगलुरु बुल्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी एंड टॉप 2 में एंड करने की फेवरेट टीम यहां पे बेंगलुरु बुल्स की टीम बहुत ज़्यादा आगे है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे पुनेडी पल्टन की टीम है। पुनेडी पल्टन की टीम भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, 14 मैचेस में 8 मैच जीतते ही 49 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +30 का चल रहा है। इनको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने तो अपने बचे हुए 8 मैचेस में सिर्फ 3 जीत की एंड पुनेडी पल्टन की टीम भी टॉप 2 में एंड करने की बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड ज़्यादा मैचेस जीती है तो पुणे की टीम भी टॉप 2 में एंड कर सकती है। ये दोनों टॉप 2 को टक्कर देने के लिए आ चुकी है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम नंबर 3 पे है, 14 मैचेस में से 9 मैचेस जीती है 48 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +73 का चल रहा है। जयपुर पिंक पैंथर्स के भी 8 मैचेस बचे हैं प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ 3 जीत की जरूरत है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम भी टॉप 2 में एंड करने की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, 3 टीम्स में से 2 टीम्स टॉप 2 में एंड कर सकती है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, तो यहाँ पे नंबर 4 पे यूपी योद्धास की टीम है। यूपी योद्धास की टीम ने पॉइंट्स टेबल में बहुत ही लंबा छलांग मार के नंबर 4 पे आ चुकी है, 14 मैचेस में 7 जीती है 45 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +52 का चल रहा है। इनके 8 मैचेस बचे हैं एंड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 4 जीत की जरूरत है एंड ना ही सिर्फ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, टॉप 2 में भी एंड करने का एक बहुत अच्छा चांस यूपी योद्धास के पास बचा हुआ है। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है, आने वाले मैचेस इनके लिए डिसाइडर साबित हो सकते हैं टॉप 2 के क्वालिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, तो यहाँ पे नंबर 5 पे यू मुंबा की टीम बरकरार है। यू मुंबा की टीम ने 14 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है 43 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +9 का चल रहा है। यू मुंबा के भी 8 मैचेस बचे एंड क्वालिफिकेशन के लिए इनको सिर्फ 4 जीत की जरूरत है एंड ना ही सिर्फ क्वालिफाई कर सकती है, यू मुंबा की टीम भी टॉप 2 में एंड कर सकती है। तो यू मुंबा का जिस हिसाब का हाल ही में परफॉर्मेंस है, टॉप 2 में एंड करने का बहुत ज्यादा चांस बन। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में उलट पुलट के कैसे भी करके पटना पायरेट्स की टीम नंबर 6 पे आ चुकी है। 14 मैचेस में 6 मैच जीती है 41 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -22 का है एंड पटना पायरेट्स की टीम जैसे टाई मैचेस खेल रही है, मुझे नहीं लगता है कि टाई मैचेस से क्वालिफाई कर पाएगी। इनको मैचेस जीतने होंगे एंड जीतने के साथ ही साथ इनको स्कोर डिफरेंस भी बेहतर करना होगा, -22 का स्कोर डिफरेंस कर रहा है। और अगर पटना पायरेट्स की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो मेन रीजन इनका स्कोर डिफरेंस बनेगा। तो 8 मैचेस बचे, इनको 5 मैचेस कैसे भी करके जीतने होंगे एंड कोशिश करना होगा कि टाई मैचेस से बचे, जीते या फिर हारे। अगर जीतती है तो पटना पायरेट्स के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि क्वालिफाई कर जाए। अब ये तो रहे टॉप 6 का गणित, अब यहाँ पे बॉटम की 6 टीम पे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 की, तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 7 पे तमिल तलाइवास की टीम है। तमिल तलाइवास की टीम एक टाइम पे टॉप पे थी लेकिन मैचेस हारते ही नंबर 7 पे गिर चुकी है। 14 मैचेस में 5 मैच जीती है 38 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -22 का चल रहा है। अब तमिल तलाइवास का क्या इक्वेशन है, 8 मैचेस बचे हुए, इनको 5 मैचेस जीतने होंगे एंड 2 मैचेस में इनको लो मार्जिन से हारना होगा। तो यही सेम इक्वेशन है, 5 मैचेस जीतिए एंड 2 मैचेस हार के 2 पॉइंट्स लाइए, तभी यहां पे तमिल तलाइवास के जीतने के एंड क्वालिफिकेशन के
चांसेस बचते हैं। बढ़ते नंबर 8 की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 पे बंगाल वॉरियर्स की टीम है। अभी हाल ही में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हुआ है, स्कोर डिफरेंस भी काफी बेहतर है, 13 मैचेस में 6 मुकाबला जीती है 37 पॉइंट्स के साथ, इनका स्कोर डिफरेंस +34 का चल रहा है। बंगाल वॉरियर्स का यही सिनेरियो है कि अपने बचे हुए 9 मैचेस में सिर्फ 5 मैचेस जीतने होंगे एंड 3 मैचेस में इनको लो मार्जिन से हारना होगा, ताकि जो हार से भी 3 पॉइंट्स कलेक्ट कर पाए। एंड अगर 3 पॉइंट्स यहाँ पे हार से कलेक्ट कर पाती है एंड 5 मैचेस जीतते ही इनको 25 पॉइंट्स मिल जाते, तो बंगाल वॉरियर्स की टीम नंबर 6 नंबर 5 पे एंड कर पाएगी। अब बढ़ते नंबर 9 की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। हरियाणा स्टीलर्स का परफॉर्मेंस हाल ही में अच्छा नहीं चल रहा है, 14 मैचेस में 5 मैच जीती है 36 पॉइंट्स के साथ, इनका स्कोर डिफरेंस -3 का चल रहा है, तो स्कोर डिफरेंस इनका माइनस में एंड इनको बचे हुए 8 मैचेस में 6 मैचेस जीतने होंगे, तो आने वाले मैचेस इनके लिए डू ऑर डाई होने वाले। अगर हारती है तो आप मान के चल सकते हैं कि हरियाणा की टीम नंबर 7 नंबर 8 पे एंड करेगी, क्वालिफिकेशन के लगभग जो दरवाजे हैं वो यहाँ पे बंद हो जाने वाले हैं। बढ़ते नंबर 10 की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 10 पे दबंग दिल्ली की टीम है। एक टाइम पे जो टॉप 2 में एंड करने वाली दबंग दिल्ली की टीम अभी हार के नंबर 10 पे गिर चुकी है एंड अभी भी क्वालिफाई का एक दरवाजा इनके लिए खुला हुआ है। 14 मैचेस में 6 मुकाबला जीती है 35 पॉइंट्स के साथ, इनका स्कोर डिफरेंस -12 का चल रहा है। अब दबंग दिल्ली के 8 मैचेस बचे एंड कोशिश करना होगा कि 8 में से 6 मैचेस कैसे भी करके जीते। अगर 6 मैचेस नहीं जीत पाती है तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है एंड इस कंपटीशन में इनको 6 मुकाबले कैसे भी करके जीतने होंगे एंड कोशिश करना होगा कि जो स्कोर डिफरेंस है वो यहाँ पे प्लस में लाए, तभी दबंग दिल्ली की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। अब यहाँ पे बॉटम 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नंबर 11 पे गुजरात जायंट्स की टीम है। गुजरात जायंट्स की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती 32 पॉइंट्स के साथ, इनका स्कोर डिफरेंस -33 का चल रहा है एंड गुजरात जायंट्स की टीम के भी क्वालिफिकेशन के बहुत ही हार्ड चांसेस हो चुके हैं। 9 मैचेस बचे एंड 9 मैचेस में 6 मुकाबला कैसे भी करके जीतने होंगे एंड 3 मैचेस में इनको लो मार्जिन से हारना होगा। अगर मैचेस हारती है तो 7 पॉइंट के कम मार्जिन से हारे ताकि 1 पॉइंट कलेक्ट कर पाए एंड 6 मैचेस कैसे भी करके जीतने होंगे, तो गुजरात जायंट्स के लिए भी आने वाले मैचेस डू और डाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे बढ़ते सबसे बॉटम टीम की तरफ, तो यहाँ पे नंबर 12 पे तेलुगु टाइटंस की टीम है। तेलुगु टाइटंस की टीम ने 14 मैचेस खेले जिसमें से 1 मैच जीती है 9 पॉइंट्स के साथ, स्कोर डिफरेंस इनका 150 का चल रहा है। अब बचे हुए 8 मैचेस जीत भी जाते तो इनके 49 पॉइंट्स होने वाले, तो तेलुगु टाइटंस की टीम पहली अनऑफिशियली टीम बन चुकी है जो यहाँ पे प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। तेलुगु टाइटंस के अब क्वालिफिकेशन के कुछ भी चांसेस नहीं बचते। तो अभी फिलहाल टोटल 83 मैचेस कंप्लीट होने के बाद 3 टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है जो यहाँ पे क्वालिफाई लगभग कर चुकी है, जो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स, पुनेडी पल्टन एंड जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। एंड तेलुगु टाइटंस को छोड़ के बाकी सब टीम्स में बहुत ही कड़ा कंपटीशन चल रहा है, कोई सी भी टीम क्वालिफाई कर पाएगी एंड आने वाले मैचेस में जो इक्वेशन है वो और भी ज़्यादा क्लियर होता हुआ नज़र आ जाएगा। कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है, कौन सी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है, वो यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि कौन सी 6 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। एंड वीडियो कहीं पे एंड करते, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है, ताकि नई वीडियो जब भी डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।